हेलो एवरीवन, हम लोग बहुत दिन बाद आज अपने लेक्चर में आए हैं। कुछ दिनों से काफी बहुत टाइम हो गया मैंने कोई लेक्चर अपलोड किया था। उस चीज को बेसिक रीजन है, कुछ चीजें नहीं सही जा रही थी। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में शायद देखा था, अचानक से लैपटॉप काम करना बंद कर दिया, सो वी हैड टू ऑर्डर अ न्यू लैपटॉप ऑल टुगेदर। ठीक है, काफी दिक्कतें आई बट फाइनली वी आर बैक ऑन ट्रैक। तो चलिए हम लोग वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आई होप इतने दिन पढ़ाई नहीं बंद हुई होगी और आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे बच्चे लोग। अब हम लोग आज अपना नया लेक्चर शुरू करते हैं। We are in class 11. We are doing PGPP. अगर आपको याद हो, हम लोग ने एक कहानी बनाई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के, चार कैरेक्टर थे उसमें। पहली थी कटरीना कैफ, जो हमारी क्या थी, इनकम थी। उनका सिर्फ 12 मिनट का रोल था, इसलिए वहां पे सिर्फ 12 मिनट 12 इनकम ही थी। उसके बाद हमारे नेक्स्ट रोल में आए थे फरहान अख्तर, जिनका सेकेंड लीड का रोल था। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था पीजीपीपी का, वो था डेप्रिसिएशन, तो हम लोग ने वो किया था। और थर्ड में हमारे पास आए थे थर्ड में रितिक, जो हमारे एक्सपेंस है, एचआरएक्स मैंने नाम दिया था। और लास्ट में जब आपको जिंदगी में दो दरवाजे दिख रहे थे वहां पे मूवी में देओल को, अभय देओल को, तो हम लोग ने बोला था वो प्रिजम्प्टिव होगा। हम लोग ने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था 12 इनकम्स का। उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन कर रहे थे लास्ट वीडियो में, इसमें हम लोग ने एडिशनल डेप्रिसिएशन डिस्कस किया था और इन्वेस्टमेंट अलावेंस डिस्कस किया था। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अलावेंस डिस्कस करने के बाद मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ऐड किया है तो आपके पुराने पीडीएफ में, जिसमें मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन दिखाया है, क्या डिफरेंस है एडिशनल डेप्रिसिएशन में एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस में, जस्ट सो दैट आप उसको कैप्चर कर पाओ। ठीक है, और आपको याद रहे दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, कब कौन सा लगता है कब कौन सा नहीं लगता। क्योंकि मेन एक सम, कोई बड़ा सम जब आएगा पीजीबीपी का चलो, तो उस बड़े सम में डेप्रिसिएशन बहुत छोटा सा होगा, पर उस छोटी सी चीज के लिए 3 मार्क्स होंगे और उसमें एडिशनल भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। ठीक है, और अगर एक फुल फ्लेज्ड डेप्रिसिएशन का सम आता है तो इट कैन कम अप टू 8 मार्क्स। ठीक है, एंड इट विल कंटेन एटलीस्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन। और पता है सम इतना ट्रिकी होगा, ट्रिक कहां पे होगा, ट्रिकी एज इन डिफिकल्ट नहीं होगा, ट्रिक कहां पे होगा, वो आपको बताएगा नहीं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो सिर्फ आपको बोल देगा न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अब वो आपको सोचना है कि उसमें एडिशनल आएगा कि नहीं, इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं, दोनों आएगा कि नहीं, वो आपका प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको वैसे ही दिमाग अपना चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं हम लोग लास्ट क्लास में कहां थे। ठीक है, हाँ, ये हम लोग ने लास्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट अलाउंस पे थे। हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अलाउंस और डिस्कस कर लेंगे, फिर हम आपको डिफरेंस बिटवीन दिखा देगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस के बारे में क्या था, ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस में आपको नया प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लाना पड़ेगा। न्यू प्लांट एंड मशीनरी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ चीजों को छोड़ के, मतलब सेकंड हैंड नहीं होगा। मैंने लास्ट क्लास में आपके अगेंस्ट एक क्वेश्चन पोस्ट किया था आपके लिए नए लास्ट टॉपिक में, कि वो जो सेकंड हैंड मशीनरी है, मान लीजिए अगर आप इंडिया के बाहर कोई मशीनरी बच्चा लोग यूज कर रहा है, क्या उसको इंडिया में लाकर यूज कर सकता है, क्या उसको फर्स्ट हैंड का दर्जा मिलेगा, नहीं। सेकेंड हैंड या तो इंडिया का हो तो भी अलाउड नहीं है, या आप इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी बच्चा अलाउड नहीं है। दोनों केस में सेकेंड हैंड अलाउड नहीं है। ठीक है, अब आइए, सेकेंड हैंड नहीं अलाउड था, ट्रांसपोर्ट कार नहीं अलाउड था, कोई ऐसा अप्लायंसेस जो आपने होटल में यूज कर रखा है या ऑफिस में यूज कर रखा है, या कोई प्लांट एंड मशीनरी जो ऑफिस पर्पस के लिए है, एक्सक्लूडिंग क्या था, कंप्यूटर, द कंप्यूटर इज अलाउड। ठीक है, कंप्यूटर इज अलाउड। और कोई ऐसा प्लांट एंड मशीनरी जिसका पूरा डेप्रिसिएशन आपको एक ही साल में मिल गया, फुल कॉस्ट अलाउड हो गया, ऐसा होता है साइंटिफिक रिसर्च के केस में, आज वो आएगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे क्या है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपको अक्वायर करना है और कहां, सिर्फ चार एरिया में। ये वाला जो सेक्शन था ये सिर्फ बैकवर्ड एरिया के लिए है, 32AD। जैसे जब हम लोग ने एडिशनल डेप्रिसिएशन किया था बच्चा, तो वो दोनों के लिए था, बैकवर्ड एरिया के लिए भी था और नॉर्मल एरिया के लिए भी था, ये सिर्फ बैकवर्ड एरिया के लिए। तो ये क्या बोलता है, बैकवर्ड एरिया क्या है, BATW क्या था, बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना वेस्ट बंगाल, बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना वेस्ट बंगाल। परसेंटेज कितना है, 15% लॉक इन पीरियड है इसमें, मतलब जो नया प्लांट एंड मशीनरी आप खरीदोगे उसको आपको 5 साल तक अपने पास रखना है। अगर आप 5 साल तक अपने पास नहीं रख पाते तो जो डेप्रिसिएशन हम आपको देंगे 15%, जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख का एसेट खरीदा तो हमने 15% आपको एक्स्ट्रा अलाउ कर दिया, मतलब 75,000। अगर आप 5 साल तक ये एसेट नहीं रखे, आपने वो एसेट बेच दिया, तो वो 75,000 जिस ईयर में आपने बेचा वो आपकी इनकम की तरह टैक्सेबल हो जाएगा, डीम्ड इनकम की तरह टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब वो जो नेट प्रॉफिट हम लोग निकाल रहे थे उसमें जाके ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, टैक्सेशन वाले नेट प्रॉफिट में, ठीक है, अंबानी अंकल वाले नहीं, टैक्स अथॉरिटी वाले, वो डायग्राम याद है, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था, आदमी वाले के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा,
ट्रांसफर नहीं कर सकते। और एक्विजिशन का टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि ये सेक्शन 2015-16 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है, तो ये 15-16 से लेकर 31/3/20 तक है। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे सर 31/3/20 तो हो गया, अब तो सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए, जो नया फाइनेंस एक्ट आया है 20 उसने इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया। तो मतलब ये हर एक साल करके एक्सटेंड होता रहता है, क्योंकि इसमें बेटर क्या ना, इससे बैकवर्ड एरियाज जो है उनमें प्रोडक्शन प्रमोट होगा, एवरीवन विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, ठीक है। क्योंकि 15% डेप्रिसिएशन मिल रहा है, मतलब 15% इनकम कम करने मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा यहां पे और एक चीज, यहां पे एसेट पुट टू यूज करने का जरूरत नहीं है, जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन में था ना कि अगर एसेट पुट टू यूज करेंगे तभी डेप्रिसिएशन मिलेगा, यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां अगर आपने एसेट को पुट टू यूज किया हो या ना किया हो, 180 डेज का सवाल ही कुछ नहीं पैदा होता, आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा 15% से इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन इटसेल्फ, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी मत सोचना, अभी कॉम्प्लेक्सिटी मत सोचना कि सर सपोज ऐसा हो जाए कि मेरे पास इनकम ही नहीं है उस ईयर में, लॉस है, तो फिर इसका क्या होगा, तो ये आपके लॉस में ऐड हो जाएगा और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फ्यूचर ईयर्स में। दिस विल बी ट्रीटेड एज अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, आ जाएंगे हम लोग उसमें, ठीक है, कि अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले हम आपको डिफरेंस बिटवीन दिखा देता है, यहां पे देखिए डिफरेंस बिटवीन दिखा देता हूं आपको, ये मैंने लिखा है, आपको डिफरेंस बिटवीन दिखा देता हूं दोनों सेक्शन में क्या डिफरेंस है, एडिशनल डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट अलाउंस में। सबसे पहले डिफरेंस सेक्शन क्या है, दिस इज 32 क्लॉज 1-2A एंड दिस इज 32AD, ठीक है, कितना सही है, AD, ठीक है, आपके दिमाग में आना चाहिए AD मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा, नहीं, वो उसके उल्टे का सेक्शन है, उसके जैसे का सेक्शन है इन्वेस्टमेंट अलाउंस का, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो 32-1-2A फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। देखिए रेट क्या है, उसमें याद है आपको 20% था जब आप नॉर्मल एरिया में थे और 35% था जब आप बैकवर्ड एरिया में थे, पर बैकवर्ड एरिया में जाके आपको करना क्या था, सिर्फ मैन्युफैक्चर। पावर अगर आप बैकवर्ड एरिया में भी जाके करते थे बच्चा, पावर जनरेशन ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन, तो भी आपको परसेंटेज कितना मिलता था, 20 ही मिलता था, उससे ज्यादा नहीं मिलता था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पर्पस क्या है, मेंटेनेंस सॉरी मैन्युफैक्चर या पावर, पावर में क्या है, GTD, GTD, G का मतलब जनरेशन, T का मतलब ट्रांसमिशन, D का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, और या तो यहां पे क्या बोलता है, ये देखिए ये हमारा बहुत अच्छा चीज है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस में कितना परसेंटेज है बच्चा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस में भी ओनली है 15%, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मैन्युफैक्चर एंड पावर पे है, दोनों पे मिलता है, मैन्युफैक्चर पे भी पावर पे भी बच्चा, लेकिन ये सिर्फ किस पे है, सिर्फ मैन्युफैक्चर पे, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कर रहे हो, बैकवर्ड में कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस सिर्फ तब मिलेगा जब आप बैकवर्ड एरिया में जाके मैन्युफैक्चर कर रहे हो। देखो मैं प्रूफ करता हूं, यहाँ पे है नॉर्मल एरिया में मैंने इसमें टिक दिया, मतलब ये अवेलेबल है, यहाँ पे क्रॉस दिया ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन बैकवर्ड एरिया में दोनों में टिक दिया, दोनों अवेलेबल है। और डिफरेंस क्या होगा, लॉक इन पीरियड यहाँ पे कुछ नहीं है एडिशनल डेप्रिसिएशन में, लेकिन इन्वेस्टमेंट अलाउंस में देयर इज अ लॉक इन पीरियड ऑफ 5 years, वो 180 डेज वाला कंडीशन की डेप्रिसिएशन हाफ हो जाएगा, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन में है, हाफ इस साल मिल जाएगा हाफ नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा, लेकिन यहां पे ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है 180 डेज वाला, क्यों, क्योंकि ये क्या बोला कि हमको फर्क नहीं पड़ता कि आपने एसेट कब खरीदा है और कितने दिन लगा है, दिस इज नो पुट टू यूज लॉजिक इज यूज्ड हियर, आप जिस टाइम पे खरीदोगे हम आपको पूरा डेप्रिसिएशन अलाउड करते हैं। अब सुनिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कॉस्ट होना पड़ेगा, बच्चे आप अकाउंटेंसी में करते थे, अगर आपके पास एसेट का कोई कॉस्ट ही नहीं होगा तो डेप्रिसिएशन निकालोगे कैसे। वैसे मान लो किसी ने आपको एसेट फ्री में दिया तो आपके लिए कॉस्ट तो जीरो है, तो जीरो पे डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, निकल ही नहीं सकता, तो आपको एक वैल्यू चाहिए होगा डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। क्या वैल्यू बोलते हैं बच्चा, एक्चुअल कॉस्ट, मतलब असली कॉस्ट जिसपे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उस कॉस्ट का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर डेप्रिसिएशन निकलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज गिवन एज अ परसेंटेज, यू नीड अ वैल्यू इन ऑर्डर टू अप्लाई अ परसेंटेज बच्चा। चलो देखो वैल्यू देखो, अब आते हैं ऊपर चलते हैं। आज हम बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट करेंगे, मजा आएगा आपको। देखिए एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट मतलब जो भी आपने अपनी जेब से पेमेंट किया है एक एसेट को खरीदने के लिए, एक्चुअल कॉस्ट मतलब जो भी एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं एक एसेट को खरीदने के लिए। सर जैसे क्या क्या हो सकता है, मानो तुमने एक एसेट खरीदा, एसेट का वैल्यू है 5 लाख रुपीज,
उसको फैक्ट्री तक लेके आने के लिए तुमको फ्रेट इंकर करना पड़ा, फ्रेट मतलब चार्जेस इंकर करना पड़ा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंकर करना पड़ा, लेट्स से दैट इज 5000, सो 5 लाख प्लस 5000 इज 5 लाख 5000। उसके बाद आपको मशीन को इंस्टॉल करना पड़ा, इंस्टॉलेशन के लिए जो आदमी आया उसका सैलरी, उसको आपको फीस पेमेंट करना पड़ा 10000, तो 5 लाख 15000, दिस इज और दिस इज द चार्ज, ठीक है, फॉर द टोटल मशीन, दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्चुअल कॉस्ट में हम लोग नहीं इंक्लूड करते, जैसे अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई सब्सिडी दिया, क्या दिया है, सब्सिडी दिया है किसी एसेट के अगेंस्ट में, एक पर्टिकुलर एसेट को खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने हमको सब्सिडी दिया, मान लो यही जो 5 लाख 15000 का एसेट था, तो ममता दीदी मेरे को बोलती है कि शान सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप ये जो मशीनरी खरीद रहे हैं इसके लिए हम आपको पैसा देते हैं, सब्सिडी देते हैं। तो मान लो ममता दीदी ने हमको 2 लाख रुपया दिया और इससे हमने ये पूरा सेटअप रेडी किया 5 लाख 15000 का, 2 लाख दिया, तो अब देखो ये इंसाफ है क्या, खुद सोच के बताना कि 5 लाख 15000 पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर लें, जबकि 2 लाख रुपए तो मेरी जेब से गए भी नहीं है खुद, इट इज नॉट माय एक्सपेंस फॉर मी, मैंने एक हाथ ममता दीदी से लिया एक हाथ वेंडर को दे दिया, तो वो तो मेरे हाथ से गया भी नहीं, तो उस पर डेप्रिसिएशन क्यों ले। तो डेप्रिसिएशन क्या चीज पे मिलेगा, वो मनी जो मैंने एक्चुअली इनकर किया, तो मेरे को यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितने पे मिलेगा, 5 लाख 15000 माइनस 2000 विच इज 3 लाख 15000 उसमें मिलेगा, तो आप सब्सिडी नहीं इंक्लूड करेंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद एक सेक्शन है इनकम टैक्स का, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये ऋतिक रोशन में आएगा ये सेक्शन, 40 बड़ा A3, बड़ा A क्यों, 3 क्यों बोलता है, क्योंकि ये कैपिटल 3 A है, ठीक है, 40 बड़ा A3 ये बोलता क्या है, अगर आपने एक दिन में, ध्यान से सुनना, अगर आपने एक दिन में एक आदमी को 10000 से ज्यादा रुपया कैश में दिया है, तो वो एक्सपेंस हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, वो एक्सपेंस हम लोग पीएल में डेबिट करने नहीं देंगे, ठीक है। ये सेक्शन बहुत पुराना है, पहले से है, अभी क्या किया है रिसेंट 2019 अमेंडमेंट एक्ट में, ये लोग किया क्या है, जो एक्चुअल कॉस्ट का सेक्शन है उसमें भी सेक्शन को इंटीग्रेट कर दिया। मतलब क्या है, अब अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं और उस एसेट को खरीदने के लिए हमने 10000 से ज्यादा रुपया एक दिन में एक आदमी को कैश में पेमेंट किया है, तो वो पैसा भी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस, ठीक है, मान लीजिए ये टीवी है, ठीक है, ये टीवी 30000 का है, मेरे को ये सेटअप रेडी करने के लिए ये टीवी भी चाहिए था, ठीक है, मैंने अगर इस 30000 को कैश में पेमेंट कर दिया, ठीक है, मैंने इस 30000 को अगर कैश में पेमेंट कर दिया है, तो ये एसेट तो रहेगा, पर मेरे बुक्स में इस एसेट की वैल्यू क्या होगी, इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए क्या वैल्यू होगी, जीरो। तो क्या मैं जीरो पे डेप्रिसिएशन ले पाऊंगा, कोई डेप्रिसिएशन नहीं ले पाऊंगा। चलो दूसरा तरह से बोलता है, मान लो ये 3 लाख का एसेट है, थोड़ी देर के लिए समझ लो ये 3 लाख का टीवी है, और मैंने 2 लाख रुपया, ठीक है, बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया एनईएफटी यूज करके, एनएफटी यूज करके, और 1 लाख रुपया कैश में दे दिया, तो पेमेंट एक्सीडिंग 10000 इज रुपीज 1 लाख विच इज इन कैश, क्योंकि कैश वाला देखना हमको, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो टैक्स पर्पस के लिए इस टीवी की वैल्यू कितनी होगी, ओनली रुपीज 2 लाख, और डेप्रिसिएशन कितने में मिलेगा, 2 लाख, 1 लाख डिसअलाउ हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन आया बच्चा का, तो सर फिर अगर 10000 से ज्यादा पेमेंट करना है तो कैसे करें, इनकम टैक्स बोलता है द पेमेंट हैज टू बी इन मोड अदर देन कैश, इन मोड अदर देन कैश। सो हम लोग ने पूछा व्हाट इज द मोड अदर देन कैश, वो बोला बाय एन अकाउंट पे ही चेक और एन अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ठीक है, अकाउंट पे ही चेक और एन अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम में तुम्हारा पेटीएम, भीम, नेफ्ट, आरटीजीएस सब आ जाएगा, गूगल पे सब आ जाएगा, अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही ड्राफ्ट में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन क्रॉस्ड चेक नहीं आएगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, क्रॉस्ड चेक नहीं आएगा। नाउ सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस चेक एंड अकाउंट पे चेक, जब लाइंस के बीच में अकाउंट पे ही लिखा होता है देन इट इज एन अकाउंट पे चेक, जब तक लाइंस के बीच में अकाउंट पे ही नहीं लिखा है तब तक इट इज अ क्रॉस चेक। और याद रखना, अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट में क्रॉस चेक नहीं आता है। मतलब अगर उस 1 लाख का पेमेंट मैंने क्रॉस चेक से किया हो या बेरर चेक से किया हो, ठीक है, या तो क्रॉस चेक से किया हो या बेरर चेक से किया हो, दोनों केस में वो डिसअलाउ हो जाएगा और मेरे को वो अलाउड नहीं। चलो आओ देखते हैं क्या लिखा है मैंने यहां पर। सब्सिडी नहीं, एक्सक्लूडिंग सब्सिडी, एक्सक्लूडिंग पेमेंट्स एक्सीडिंग 10000 इन मोड लाइक अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। मतलब बेसिकली मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि आपको 10000 से ज्यादा पेमेंट इन मेथड से करना चाहिए।
अगर आपने नहीं किया तो वो कॉस्ट से लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्चुअली आप कंफ्यूज मत होना इसको, आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, मैंने एक्सक्लूडिंग ही लिखा है तो मैंने वही लिखा है, इन मोड अदर देन लिख लेना, लाइक को काट के अदर देन कर लेना अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो। पर मैं आपको समझाना यही चाह रहा हूं कि 10,000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर अगर आपने कोई भी पेमेंट किया है जो सिर्फ कैश में है, 10,000 के ऊपर कैश में, तो वो पूरा डिसअलाउ हो जाएगा और एक्चुअल कॉस्ट से कम कर देना होगा, ठीक है। ऐसे टीवी वाले एग्जांपल में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 40 बड़ा ये थ्री बड़ा ये ऐसे लिखते हैं। अब इसमें ना कुछ चीजें मैं बात करना चाहता हूं एक्चुअल कॉस्ट के अंदर। मान लो मैंने लोन लेके एक एसेट खरीदा, क्या लेके, लोन लेके, ये ठीक मैं जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बोल रहा था वही कॉन्सेप्ट। मैंने अगर घर के लिए लोन लिया है, बैंक इंटरेस्ट किस दिन से चार्ज करेगा, जिस दिन से मैंने घर लिया। बैंक उस दिन से इंटरेस्ट थोड़ी ना चार्ज करेगा जिस दिन से मैं घर बनाना शुरू करूं, या जिस दिन से मेरा घर रेडी हो, या मैं जिस दिन घर खरीदूं। बैंक उससे कोई मतलब नहीं, बैंक को मतलब सिर्फ एक चीज से, जिस दिन से भैया आपने लोन लिया है उस दिन से मैं आप पे इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। बैंक को सिर्फ इससे लेना देना। तो अगर मान लो ये टीवी खरीदने के लिए, या ये एसी खरीदने के लिए, ठीक है, या ये लैपटॉप खरीदने के लिए जिससे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है। मेरे को मैक लेना था, 2 लाख का लैपटॉप, मैंने 2 लाख का लैपटॉप मेरे को लेना है 2 लाख का, तो मैंने बैंक से लोन लिया। अब जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगा। पर सपोज लैपटॉप के लिए पैसा या लोन लेने से और लैपटॉप लेने के बीच में देयर इज अ गैप ऑफ 1 ईयर, ठीक है, लेट्स सपोज देयर इज अ गैप ऑफ 1 ईयर। अब जो 1 साल का इंटरेस्ट है उसका क्या होगा, ये है मार्केट। उस 1 साल के इंटरेस्ट का क्या होगा, लेट्स सपोज द इंटरेस्ट रेट इज 10% एंड द अमाउंट इज 2 लाख, सो द इंटरेस्ट इज 20,000। इस 20,000 का क्या होगा, एक्ट एकदम सिंपल बोलता है, एसेट को पुट टू यूज करने से पहले, लैपटॉप को पुट टू यूज करने से पहले, लैपटॉप का पुट टू यूज क्या है, ये क्लास कंडक्ट करना, इस पुट टू यूज करने से पहले जो भी इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया है वो लैपटॉप के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, लैपटॉप के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर मैं अकाउंटेंसी की भाषा में बोलूं बच्चा, तो कैपिटलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो मतलब अब मेरा एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,20,000, कितना होगा भैया, 2,20,000। और उस पे जिस दिन से मैं एसेट पुट टू यूज कर रहा हूं मेरे को डेप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन, सर एसेट पुट टू यूज करने के बाद भी तो हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, उसका क्या होगा, वो नॉर्मली पीएल में डेबिट होगा। मतलब एसेट पुट टू यूज करने के पहले का एक्सपेंडिचर विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एसेट पुट टू यूज करने के बाद का एक्सपेंडिचर विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और पीएल में बच्चा कौन सा एक्सपेंडिचर अलाउड होता है, ओनली रेवेन्यू नॉट कैपिटल। आज ये भी आएगा, आज मैं इसको और डिस्कस करूंगा, ओनली रेवेन्यू इज एडेड नॉट कैपिटल, ठीक है। कैपिटल इज ऑलवेज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट और उस पर डेप्रिसिएशन मिलता है आपको बाद में। देखो पुट टू यूज करने के पहले का जो इंटरेस्ट का कॉस्ट होगा वी विल एड इट टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, और पुट टू यूज करने के बाद इंटरेस्ट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस दिस विल बी डेबिटेड टू पीएल, ठीक है। और ये मैंने किसी भी तरह के इंटरेस्ट के लिए बोला बच्चा, मान लो मैंने बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए इंटरेस्ट लिया तो भी सेम, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद वो रेवेन्यू, बिजनेस स्टार्ट होने के पहले वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो जाएगा, कैपिटलाइज होगा, ठीक है। अच्छा आजकल जीएसटी का मौसम है, हम लोग के जीएसटी के क्लासेस चल रहे हैं, ऑलरेडी 5-6 क्लासेस हो गए, बहुत अच्छे जा रहे हैं सारे क्लासेस, सब बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। तो अभी भी नंबर नीचे है, आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है, सो यू कैन स्टार्ट एज सून एज यू एनरोल, ठीक है। द क्लासेस आर गोइंग रियली स्मूथ, एवरीवन इज लविंग द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा तो अब जीएसटी क्या होता है, जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप जब एक एसेट खरीदते हो, एक कैपिटल गुड्स खरीदते हो, तो उस पर जीएसटी लगता है। सपोज आपने जो कैपिटल गुड्स खरीदा वो 4 लाख का, ठीक है, और उस पर जीएसटी है 10%, तो जीएसटी कितना पेमेंट किया आपने, 440। अब एकदम सिंपल लॉ है, जीएसटी में जो आप टैक्स पेमेंट करते हो उसको बुलाया जाता है इनपुट टैक्स, क्या बुलाया जाता है, इनपुट टैक्स, और उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है आउटपुट के साथ सेट ऑफ करने के लिए। मतलब जब आप उसको बेचोगे उसके आउटपुट के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, या उससे जो प्रोडक्ट बना के बेचोगे उसके आउटपुट के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। और दूसरा क्या ऑप्शन होता है कि आप उस जीएसटी के अमाउंट को कॉस्ट में ऐड कर लो, मतलब टोटल एसेट का कॉस्ट ही बना दो 4,40,000 और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। तो या तो आपको जीएसटी में उसका आईटीसी मिलेगा या डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो या तो आप इनडायरेक्ट टैक्स में जाओगे या डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में जाओगे, दोनों का बेनिफिट नहीं मिल सकता। मतलब या तो आपको इनकम टैक्स में 4,40,000 पे 10% डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है, या आपको जीएसटी एक्ट में
जीएसटी एक्ट में 40,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा बस, ठीक है। और फर्दर आपको जीएसटी समझना है तो आप मेरे साथ क्लासेस एनरोल करिए, हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और जीएसटी। आइए, सब्सिडी डायरेक्टली रिलेटेड टू द एसेट शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैं ये पहले ही बोल चुका हूं, ठीक है। एसेट फॉर बिजनेस अंडर 35AD इज निल, मतलब क्या है, 35AD एक सेक्शन है जिसमें कुछ बिजनेसेस के नाम दिए हुए हैं, उन बिजनेसेस में आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, ठीक है, रिलेटेड टू एनी प्लांट एंड मशीनरी और सेटिंग अप अ बिजनेस, एक्सेप्ट लैंड गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो भी खर्चा आप करते हो दैट इज अलाउड इन द ईयर इट इज स्पेंट, मतलब डेप्रिसिएशन ने जिस ईयर में आपने स्पेंड किया उसी ईयर में पूरा का पूरा अलाउड हो जाता है, ठीक है। तो अगर उसके तहत आपने कोई एसेट खरीदा है जो 35AD में कवर्ड है, तो क्योंकि उसका 100% एक्सपेंस उसी में अलाउड हो गया उसी ईयर में, लाइक फॉर सपोज ये जो एसी है, ये मैंने जो बिजनेस, मान लो मेरा कोल्ड चेन फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी है, कोल्ड चेन वेयर हाउसेस होते हैं उसमें बहुत सारे एसी लगे होते हैं बच्चा, तो मैंने ये एसी खरीदा है कोल्ड चेन फैसिलिटी के लिए, तो ये प्लांट एंड मशीनरी है, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए बच्चा बुक्स में इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो, क्योंकि जिस ईयर आपने खरीदा बाबू उस ईयर तो आपने पूरा 100% एप्रिसिएशन ले लिया, दो बार बेनिफिट थोड़ी ना मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब समझो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। ऐसे सपोज करो, ठीक है, ऐसे सपोज करो कि आपका ना, आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है, ठीक है, जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो आया है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है, लेट्स सपोज ये ग्रॉस टोटल इनकम आपका आया है पूरा सम कैलकुलेट करके, ऑल फाइव हेड्स ऑफ इनकम का कैलकुलेट करके, लेट्स से 5 लाख, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जब आप इससे, ठीक है, डेप्रिसिएशन लेस कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या बोलूं पता है, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे समझ लो कि एक ही इनकम है, ठीक है, एक ही इनकम है, ये ग्रॉस टोटल इनकम नहीं है, ये बिजनेस इनकम है। एंड लेट्स सपोज दिस इज योर ग्रॉस टोटल इनकम ओनली, मतलब आपका एक ही हेड में इनकम है जो कि है बिजनेस, ठीक है, आपका बच्चा एक ही हेड में इनकम है जो कि है बिजनेस। तो आप जब डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है 8 लाख रुपए, तो आप जब इससे डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका इनकम, आपका इनकम हो जाएगा -3 लाख, तो नेगेटिव इनकम पर जो टैक्स लगता नहीं है। अब मेरे को यह बताना है ये नेगेटिव किस वजह से हुआ, डेप्रिसिएशन की वजह से, तो जो 3 लाख होगा ना उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे एज अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, नाम में ही है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, जिसको बिजनेस का इनकम एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। तो ऐसे डेप्रिसिएशन का हम लोग क्या करेंगे, ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कब, अगले ईयर जब प्रॉफिट हो रहा होगा उस ईयर जाके सेट ऑफ कर देंगे। ऐसे मान लो नेक्स्ट ईयर, मान लो एकदम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आपका जो बिजनेस इनकम है, नेक्स्ट ईयर आपका बिजनेस इनकम हुआ 6 लाख रुपए, ठीक है, उस ईयर का डेप्रिसिएशन, उस ईयर का डेप्रिसिएशन है 3 लाख, तो आप अब क्या करोगे, जो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है जो कितना है 3 लाख, उसको भी यहीं पे सेट ऑफ कर दोगे, ठीक है, तो आपका उस ईयर का इनकम हो जाएगा नील। इसको बोलते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के बारे में आप कुछ चीजें सुन लो, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का सेक्शन है 32 क्लॉज 2। अब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप इनडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई भी दूसरा तरीके का लॉस जो होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको सरकार को बताना पड़ता है, दैट इज रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन एक ऐसा लॉस है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो विदाउट फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। एक ये है जिसको आप विदाउट फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम कर सकते हो, और एक है हाउस प्रॉपर्टी जिसको आप रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद भी रिटर्न फाइल करने से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, वहां रिटर्न फाइल करना पड़ेगा भले ही डेट के बाद हो,
जैसे डेट है 31 जुलाई और 30 सितंबर, उसके बाद हो फिर भी फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे आने तो डेप्रिसिएशन में क्या है, आपको रिटर्न फाइल करने का जरूरत ही नहीं है बच्चा, आप ऐसे ही पूरा का पूरा एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ऐसे ही आप पूरा का पूरा एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हो। अब देखो यहां पे, हाँ उसको कैरी फॉरवर्ड। अब बात क्या है, मान लीजिए मेरा बिजनेस बंद हो गया, ठीक है, मान लीजिए मेरा बिजनेस बंद हो गया और जब मैंने बिजनेस क्लोज किया तभी भी मेरे पास अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन था, थोड़ा सा बच गया था। तो अगर मैं फ्यूचर में जाके बिजनेस को रीओपन करता हूँ, प्रोवाइडेड मेरा असेसी सेम है, मतलब जिसने क्लोज किया था वही रीओपन कर रहा है, असेसी सेम है, तो भी मेरे को अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब माइनस करने फ्यूचर में मिल जाएगा। लाइक सपोज आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब डेप्रिसिएशन करके मेरा 3 साल से लॉस आ रहा था, मेरा अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मेरे पास पड़ा है 3 लाख और फिर मैं बिजनेस बंद कर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं बिजनेस बंद कर देता हूँ, फिर मैं 5-6 साल बाद जाके फिर से बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, 5-6 साल जाके मैं फिर से बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो वो 3 लाख रुपए का मैं क्या कर सकता हूँ, उसको सेट ऑफ कर दूंगा। वो 3 लाख रुपए का मैं क्या कर सकता हूँ, उस साल जो इनकम कमाऊंगा उससे सेट ऑफ कर दूंगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड तो इनडेफिनिट है, बस असेसी सेम रहना चाहिए। अब वापस आते हैं, दो कॉन्सेप्ट, अमेलगमेशन का मतलब होता है दो कंपनी का मिलना, डीमर्जर का मतलब होता है एक कंपनी का अपना दूसरा हिस्सा को तोड़ देना। ऐसे डीमर्जर का एक एग्जांपल है, टाइटन में ना पहले एक ब्रांड था टाइटन के अंदर तनिष्क, जो ज्वेलरी बनाता था, फिर टाइटन क्या किया, टाइटन के डिपार्टमेंट से तनिष्क को अलग कर दिया। अब तनिष्क इज सोली एंगेज्ड इन ज्वेलरी, वेयर एज टाइटन इज एंगेज्ड इन वॉचेस, ठीक है, परफ्यूम्स एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो ये है, इसको बोलते हैं डीमर्जर, बांटना। असेसी सेम, अमालगमेशन ही क्यों ना हो जाए या डीमर्जर क्यों ना हो जाए, उसको भी सेम असेसी माना जाता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो मैं ये काम कर रहा हूं, जब फ्यूचर में बिजनेस चालू हुआ, वापस से शुरू हुआ, तो मैं अपने भाई के बिजनेस के साथ ऐड करके ये बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरा भाई इसमें वापस इन्वेस्ट किया इस बिजनेस में, और हम लोग दोनों ऐड करके ये बिजनेस शुरू किए, तो अमालगमेट हो गया हमारा बिजनेस, तो भी इसको सेम असेसी कंसिडर किया जाएगा। या मैंने अपने बिजनेस से एक ब्रांच बाहर निकाल दिया, मैंने बोला मैं अब टैक्स और डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में ही पढ़ाता था, इनडायरेक्ट मैंने अपना डिपार्टमेंट किसी और को दे दिया, बोला लेकिन नाम यही रहेगा टैक्स की दुनिया, बस तुम अब अपना काम करो अलग से, ठीक है। मतलब ब्रांड मेरा ही रहेगा, नाम मेरा ही रहेगा शान गुप्ता, उसी के अंदर आप अपने क्लासेस प्रोवाइड करो, आप डीटी आईडीटी कर लो, मैं डीटी कर लेता हूं, ऐसा कर लिया, डीमर्जर हो गया, तो भी इस बिजनेस को बंद करते टाइम जो लॉस था उसको हम लोग दोनों सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। आई लॉस मतलब डेप्रिसिएशन था, देखो अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, प्लीज माइंड दिस रीडर, इट इज रिटन एनी इनकम, मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस की ही इनकम से फ्यूचर में जाके सेट ऑफ करना पड़ेगा, कोई भी इनकम होगी उससे हो जाएगा। लाइक एग्जांपल, जस्ट सपोज मैंने मेरे को इस साल में 3 लाख जो बोला वो लॉस हुआ, अगले साल में मेरे बिजनेस इनकम में फिर लॉस है, बिजनेस फिर लॉस में 2 लाख रुपए लॉस में, लेकिन उस साल में वो कैपिटल गेन हुआ क्योंकि हमने ज्वेलरी बेचा था, कैपिटल गेन हुआ 7 लाख रुपीज का, तो क्या हम डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल, पहले करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करेगा, 7 लाख माइनस 2 लाख 5 लाख बचा, उसके बाद क्या करेगा, डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कर देगा 3 लाख का, ठीक है। मैंने प्रायोरिटी लिख के रखा है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको, अभी आता हूँ। अच्छा, अलाउड इवन इफ बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड, मैंने बोल दिया बिजनेस अगर बंद भी हो गया तो भी अलाउड हो जाएगा ये। इधर देखो, टोटल इनकम रहेगी आपकी, मतलब नेक्स्ट ईयर की, जैसे हम लोग वो नेक्स्ट ईयर का निकाल रहे थे, मान लो यहाँ पे 6 लाख लिखा है, सबसे पहले आप उसी ईयर का जो ये नेक्स्ट ईयर है उसी ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, फिर अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस है उसको माइनस करोगे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। पता है टीचर बस यहीं तक बताता है फिर छोड़ देता है बच्चा, क्यों नहीं समझते हम लोग या क्यों नहीं पूछते हम लोग कि ये बाद में क्यों नहीं आता, ये पहले क्यों नहीं जाता, रीजन समझिएगा। यहां जो बिजनेस लॉसेस होते हैं ना उसको सिर्फ आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितना साल तक, 8 साल तक। तो अगर ये आप इसके नीचे माइनस कर रहे हो तो इनकम तो घट जा रही है, अगर 8 साल बीत गए ना तो ये लॉसेस एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, आप जिंदगी में कभी माइनस नहीं कर पाएंगे वापस। लेकिन अगर आप इसको पहले माइनस करते हो और इसको बाद में, ये तो आप इनफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ना, ये तो जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा आपके साथ, ठीक है, तो ये तो हमेशा ही रहेगा आपके साथ। इसको माइनस करके जल्दी जल्दी हटाओ क्योंकि 8 साल में एक्सपायर होने वाला है, उसके बाद इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। रीजन समझने की कोशिश करिए, हम लोग पहले भी बोले थे हमें सीखना है, समझना है, रट्टा नहीं लगाना। ROI is not required, return of income नहीं चाहिए, carried forward only if assessee remains the same,
ठीक है। असेसी रिमेन्स द सेम का लॉजिक डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन में आता है। असेसी रिमेनिंग द सेम मीन्स कि हम लोग का अमेलगमेशन और डीमर्जर में भी हम लोग असेसी को सेम ही मानते हैं, मतलब दो कंपनी मिल गया तो भी सेम ही असेसी है, एक कंपनी से टूट के दूसरा कंपनी निकला तो भी वो सेम ही असेसी है, ठीक है। आइए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्ट में ना डेप्रिसिएशन ब्लॉक कॉन्सेप्ट पे होता है, मैंने ये लास्ट क्लास में बोला था। सेम रेट के जितने सेम डेप्रिसिएशन के रेट के डेप्रिसिएशन रेट पे जितने एसेट होते हैं उनका एक ब्लॉक बन सकता है। अच्छा ब्लॉक कैसे बनेगा, किसी भी तरह में बन सकता है, इट इज बेसिकली क्लासिफिकेशन। सोचिए सेम डेप्रिसिएशन रेट जो जो एसेट का उसका आप एक ब्लॉक बना सकते हैं, या आप एक ब्लॉक बना सकते हो लैंड का जहां जहां आपने एक्वायर करके रखा है, आप एक ब्लॉक बना सकते हो बिल्डिंग का जहां जहां आपने एक्वायर करके रखा है, या आप एक ब्लॉक बना सकते हो फर्नीचर का, या आप एक ब्लॉक इस बेसिस पे भी बना सकते हो ब्रांच वाइज। तो ब्लॉक्स कैन बी एनी वे, ठीक है। बेसिकली हम लोग समझा क्या रहे हैं, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन ब्लॉक कॉन्सेप्ट। जैसे आप अकाउंटेंसी में करते हो ना कि एक एक एसेट का इंडिविजुअल वैल्यू लेके डेप्रिसिएशन निकालते हो, यहां वैसा नहीं होता, यहां डेप्रिसिएशन होता है ब्लॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप सबकी वैल्यू एक साथ जोड़ देते हो, ठीक है। तो ब्लॉक कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, आप सब सब एसेट्स का वैल्यू एक साथ जोड़ देते हो। डेप्रिसिएशन के दो मेथड है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है WDV। सबको WDV यूज करना है, चॉइस सिर्फ एक के पास है। जो लोग पावर जनरेशन में एंगेज करते हैं, पावर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, जो हम लोग थोड़ी देर पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन में देखे और इन्वेस्टमेंट अलाउंस में देखे GTD वाले, उनके लिए ऑप्शन है बच्चा कि या तो वो SLM क्लेम कर सकते हैं या WDV क्लेम कर सकते हैं, इधर ऑफ द टू, दोनों नहीं कर सकते, दोनों में से एक कर सकते हैं। पर वहां एक डिसएडवांटेज है, अगर आपने SLM क्लेम किया तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप नोट्स में एक बार देखिएगा लिखा, अगर आपने क्लेम कर लिया, मतलब आपके दिमाग में आया चलो SLM ले लेते हैं ज्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगा, अगर आपने SLM क्लेम कर लिया तो आपको फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज ओनली ऑन WDV। और इलेक्ट्रिसिटी वाले को छोड़ के सबको एक ही मेथड फॉलो करना है जो है WDV। फॉर्मेट देखो डेप्रिसिएशन का कैसे होगा, इसको छोड़ दो, इसको भी मत पढ़ो, छोड़ो। WDV का ओपनिंग मतलब उस साल के स्टार्टिंग में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है, सबको ऐड करके, प्लांट एंड मशीनरी हम बोल रहे हैं एसेट समझो, सबको ऐड करके वैल्यू कितना। अब सोचो जब आप एसेट और खरीदोगे तो WDV इंक्रीज होगा कि घटेगा, बढ़ेगा। मतलब मान लो मेरे पास अभी एसेट 10 लाख के हैं और मैंने एक और नया सपोज क्या खरीदा, एक और नया, मतलब अभी तक मेरे पास 10 लाख के, मानो मैंने एक और नया एयरपोर्ट खरीदा क्लास कराने के, एक का बैटरी खत्म हो रहा है तो दूसरा तुरंत यूज कर सके, मान लो एक और मैंने खरीदा, तो वैसे केस में ब्लॉक का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। इसलिए हम लोग परचेजेस को ऐड करते हैं, परचेजेस को ऐड करते हैं। लेकिन मान लो मैंने एक एयरपोर्ट सेकेंड हैंड में बेच दिया तो इससे तो ब्लॉक का वैल्यू घटेगा, पैसे के बारे में मत सोचो, ब्लॉक के बारे में सोचो, ब्लॉक का वैल्यू घटेगा। तो सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाता है WDV क्लोजिंग, WDV क्लोजिंग, ठीक है। इसी WDV पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसी WDV पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, वो हम लोग सम के थ्रू देखेंगे, बेटर समझ में आएगा। पर अभी आप ये फॉर्मेट दिखा रहा था, आप फॉर्मेट देख लो, WDV ओपनिंग आएगा, परचेजेस को ऐड करेंगे, सेल्स को लेस करेंगे और फिर हमारा आ जाएगा WDV क्लोजिंग, ठीक है। हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन का कुछ सम्स करेंगे, उसके बाद हम लोग ऋतिक रोशन में मूव करेंगे। आज हम लोग पूरा डेप्रिसिएशन का टॉपिक ओवर करके आपको एक दिन का टाइम देंगे कि आप पूरा ये टॉपिक रिवाइज कर लो अच्छे से, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेप्रिसिएशन का सम्स करेंगे, ठीक है। हाँ आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल से हम लोग सारे के सारे सम्स करेंगे और कुछ पास्ट पेपर से भी उठा के कुछ सम्स कर लेंगे, ठीक है। मेरे सबसे अच्छा बात क्या है, मेरे पास तीन इंस्टीट्यूट मटेरियल है, CS, CMA और CA। हम तीनों के इंस्टीट्यूट मटेरियल से अगर दो दो सम भी करता है तो तेरा 6 सम्स, ठीक है। दैट इज इनफ फॉर प्रैक्टिस आई गेस। इधर आइए। अच्छा कैपिटल गेन का एक सेक्शन है, कैपिटल गेन वाले में टॉपिक में आता है 50C। क्या टॉपिक का नाम है 50C। ये क्या बोलता है, सपोज आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। तो आप या तो लैंड बेच रहे हो या लैंड एंड बिल्डिंग साथ में बेच रहे हो, ठीक है। तो जो भी आप कंसिडरेशन रखोगे, मतलब सेल कंसिडरेशन रखोगे,
अगर वो सेल कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, सेल कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जो उस लैंड का या उस बिल्डिंग का वैल्यू आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगाती है उसको बोला जाता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, उससे कम है तो टैक्स पर्पस के लिए, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए वी विल टेक द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इक्वल टू कंसिडरेशन। ठीक है, इसका पीजीबीपी से क्या लिंक है वो मैं अभी नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले आपको ये टॉपिक कैपिटल गेन में एकदम मन भर के समझाऊंगा, तब मैं आपको इसका पीजीबीपी से लिंक समझाऊंगा। तो अगर आप प्रिंट आउट कर रहे हो ये नोट्स को तो यहां पे आप लिख लो, ठीक है, यहां पे आप लिख लो। अच्छा मैं आपको एक और सिंपल सा चीज बताता हूं, अगर आपको प्रिंट आउट नहीं करना, आपके सबके घर में एक लैपटॉप होगा, ठीक है, आप इसको डाउनलोड करो ये पीडीएफ फॉर्मेट में, आप वर्ड में, आप गूगल पे जाके पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर करो और इस डॉक्यूमेंट को वर्ड में कन्वर्ट कर लो, पूरा का पूरा वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लैपटॉप से टाइप कर लो यहाँ पे अपने मन से जो भी आपको टाइपिंग आइपिंग करना है। एक बात याद रखो, ठीक है, मैं एकदम लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, दुनिया डेवलप हो रही है, अब पेपर पे काम नहीं होता, अब काम ऐसे ही होगा। तो जो बच्चों को हैबिट है ना कि सर किताब मिलेगा तो ही हम पढ़ेंगे, कितने दिन और, आपको यह समझ में आ रहा है एजुकेशन सिस्टम अब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, आगे आने वाले 2 से 3 साल में ना बुक्स होंगी भी नहीं, वी विल बी टॉकिंग ऑन ई-बुक एंड एवरीवन विल बी यूजिंग ई-बुक, तब आप क्या करोगे, ऑब्सोलीट हो जाओगे, तब बोलोगे नहीं सर हम इसमें लाइन नहीं खींच पा रहे, ये सब फालतू चीजें मत यूज करो, टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करो, इसको पीडीएफ को कन्वर्ट करो वर्ड में और सारी एडिटिंग आप वर्ड में ही करो, इसके ऊपर इसी को जितना गंदा कर सकते हो करो, यूज करो टेक्नोलॉजी है तो। What is the use of technology if you don't know how to use this except Facebook, Instagram or Netflix? What's the use? Either. ठीक है? तो 50C का सेक्शन ये बोलता है, मान लो मैंने ये घर खरीदा, ठीक है, मैं घर किसी से खरीद रहा हूं, तो जो आदमी मेरे को बेच रहा है उसने कंसिडरेशन लिया 100 लाख इस घर का, कि वो मेरे को 100 लाख में बेचेगा, लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नजर में इस घर का वैल्यू है 125 लाख, ठीक है, तो क्या हम 125 लाख देंगे उसको, नहीं वो तो मेरे को 100 में बेच रहा है, तो होगा क्या, गवर्नमेंट की नजर में ये 125 लाख का घर है, तो 125 लाख गवर्नमेंट मान लेगा सेल कंसिडरेशन, लेस उसका कॉस्ट जितने में ये घर उसने खरीदा था, सपोज उसने घर खरीदा था 50 लाख में, तो गवर्नमेंट उससे टैक्स कितना में मांग रहा है, 75 लाख पे, मान लो 10% है, 75 लाख पे टैक्स मांग रहा है, मतलब 7.5 लाख, पर एक्चुअल में उसका प्रॉफिट हुआ कितना है, ओनली 50, तो 5 लाख का भले ही प्रॉफिट हुआ है, 5 लाख बनेगा टैक्स उस पे, 50 लाख पे 10% 5 लाख, लेकिन उसको पेमेंट करना पड़ेगा 7.5, क्यों, क्योंकि 50C का सेक्शन क्या बोलता है, व्हेन अ लैंड एंड बिल्डिंग इज सोल्ड, ठीक है, एंड द सेल कंसीडरेशन इज लेसर देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन, देन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शैल बी टेकन एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। हम एक बार फिर से बोलेंगे, ठीक है, व्हेन अ लैंड एंड बिल्डिंग इज सोल्ड एट अ प्राइस और अ कंसीडरेशन व्हिच इज लेसर देन at a price or a consideration which is lesser than stamp duty value, then the stamp duty value shall be the full value of consideration. ठीक है, ठीक है, अब दो तरह का capital gain होता है, एक होता है short term capital gain, एक होता है long term capital gain. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, PGBP को capital gain से relate करने जा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, ये relation जरूरी है, और ये relation होता कौन से section में, PGBP का section number 50, पीजीबीपी का सेक्शन नंबर 50, ठीक है, ये रिलेशन हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब बेसिकली 50 सेक्शन इज ऑफ कैपिटल गेन, क्योंकि 43-44 पे पीजीबीपी एंड्स, ठीक है, 44 के बाद देयर इज नो पीजीबीपी, पीजीबीपी एंड्स इन 44, ये 50 इज ऑफ कैपिटल गेन, लेकिन ये आएगा पीजीबीपी में ऑन सैटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशंस। नाउ व्हाट आर दी सर्टेन कंडीशंस, देखो टू टाइप्स ऑफ सिचुएशंस में अराइज विच आर एज फॉलोस, दो सिचुएशन हो सकता, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग एक सम करेंगे तो ये बेटर क्लियर होगा। कि ये सिचुएशन क्या है, ठीक है, केस वन में क्या बोल रहा है, दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, एक होगा कि आपके पास मान लीजिए 10 एसेट है, ठीक है, आपके पास 10 एसेट है और 10 एसेट का वैल्यू मिला के इस 20 लाख, ठीक है, 10 एसेट का वैल्यू मिला के 20 लाख, उनमें से आपने कोई एक एसेट जाके मार्केट में बेचा, कोई एक एसेट जाके मार्केट में बेचा एंड इट इज सोल्ड फॉर 22 लाख, ठीक है, इट इज सोल्ड फॉर 22 लाख,
नाउ थिंक, चलो यही एग्जाम्पल लेते हैं जो यहाँ पे है, ये वाला एग्जाम्पल देखना पहले, ठीक है, पहले केस टू देखते हैं। मेरे पास 10 प्लांट एंड मशीनरी है जिनका वैल्यू मिला के 10 लाख है, मैंने 5 प्लांट एंड मशीनरी बेचा, 18 लाख हो गया, मतलब प्लांट, मैं प्लांट एंड मशीनरी बेचने गया मार्केट में, मेरे को वो 18 लाख में बिक गए, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है, मेरे पास वैल्यू कितना बचा, -8 लाख, सोचो -8 लाख, पर क्या ये लॉस है क्या, नहीं ये प्रॉफिट है, ये गेन है, क्योंकि आपने 10 का सामान, सोचो 10 एसेट 10 लाख के थे, मैंने 5 एसेट बेचा 18 लाख रुपया आ गया, मतलब मेरे पास एसेट अभी भी 5 बाकी है, पर उनका वैल्यू क्या है मेरे पास, कुछ कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है, क्योंकि 8 लाख तो प्रॉफिट हो गया। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, वैल्यू भी होना चाहिए, एसेट भी होना चाहिए। एसेट आपके पास अभी भी है क्योंकि आपने 5 ही बेचा है 10 में से, पर क्या वैल्यू है आपके पास, नहीं। क्या आप नेगेटिव वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, नहीं, तो अब यहां पे डेप्रिसिएशन होगा ही नहीं, इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नो वैल्यू सो नो डेप्रिसिएशन, सिंपल। अब आप उल्टी तरफ से देखो, सोचो 10 एसेट है, मिला के 10 लाख रुपीज है, और आपने 10 एसेट बेच दिए पूरे के पूरे, पर सिर्फ 80 लाख रुपया आया, कितना आया, सिर्फ 8 लाख रुपया आया। अब आपके पास वैल्यू तो है, पर क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एसेट है आपके पास, एसेट नहीं है, तो अब ये 2 लाख रुपए का आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, और नो डेप्रिसिएशन सिंस नो ब्लॉक। सो थिंक, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, ब्लॉक भी चाहिए, मतलब एसेट भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए। अगर ब्लॉक नहीं है, मतलब एसेट नहीं है, वैल्यू है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, अगर एसेट है वैल्यू नहीं है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हम बोलते कहते ना बच्चा लोगों को, हम अपने समय में इसको कैसे याद करते थे, कब गेन होगा कब लॉस होगा, ऐसे तो लॉजिक से आप कर ही सकते हो। दूसरा क्या था, देखो मान लो मेरे पास 10 मशीनरी है, मैंने 5 बेचा, ठीक है, और वैल्यू खत्म हो गया, यहां पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, आंसर नेगेटिव आ रहा है, वैल्यू खत्म हो गया, तो ऐसे सोचो अगर मैं फ्यूचर में जाके वो एक एसेट 1 रुपए में भी बेचू जो मेरे पास 5 बच गए, तो मेरे लिए वो प्रॉफिट है, इसलिए मैं इसको गेन लिख देता था, ठीक है। उधर मैं क्या सोचता था, मेरे पास 10 के 10 एसेट बिक गए, 2 लाख का मेरे को नुकसान हो गया, अब मैं क्या इस नुकसान को ठीक कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास एसेट ही नहीं है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। या आप सिंपल ऐसे याद कर लो, आंसर नेगेटिव होगा तो गेन, आंसर पॉजिटिव होगा तो लॉस, आंसर नेगेटिव होगा तो गेन, आंसर पॉजिटिव होगा तो लॉस, ठीक है। ये तो नेगेटिव होगा ना बच्चा, ये तो मैंने खाली आपके गलत आप ना लिखो इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव में लिखा, पर अगर आप 10 में से 18 माइनस करोगे तो ये तो 8 लाख नेगेटिव ही होगा, तो नेगेटिव है तो गेन, पॉजिटिव है तो कैपिटल गेन, सॉरी पॉजिटिव है तो लॉस, नेगेटिव है तो गेन, पॉजिटिव है तो लॉस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ना दुनिया का सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पर इसको ना इतना कॉम्प्लेक्स करके समझाया जाता है कि बच्चों को ये समझ ही में नहीं आता। एकदम सिंपल चीज है, या तो आप सारे एसेट बेच दो और आपके पास वैल्यू बच जाए, ठीक है, या आप कुछ एसेट बेच दो और आपकी वैल्यू खत्म हो जाए, दोनों केस में कैपिटल गेन आएगा, और वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। शॉर्ट टर्म क्यों होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब होता है जब आप एसेट को 3 साल से ज्यादा एक्वायर करते हो, तो आपको इंडेक्स मल्टीप्लाई करके, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मनी का वैल्यू चेंज होता है विद टाइम और मार्केट में इन्फ्लेशन रहता ही है, उसका आज की डेट पे वैल्यू निकालना पड़ता है। बट थिंक हियर, यहाँ पे तो जब आप WDV लिखते हो वो तो हर साल के एंड में होता है, तो वो तो नया ही वैल्यू है, वो तो हर साल का ही वैल्यू है एसेट का 1 साल के बाद। और जो डेप्रिसिएशन मार्केट में हम लोग चार्ज करते हैं वो कैसे होता है, डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, डेप्रिसिएशन एसेट ऑब्सोलीट, हमने पहले दिन भी बोला था ये नोशनल होता है। एसेट जो ऑब्सोलीट होगा टाइम के साथ, डेप्रिसिएशन का रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड टेकिंग इन माइंड द इन्फ्लेशन रेट इन द मार्केट। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, अगर मैं 10 साल डेप्रिशिएट कर रहा हूं मतलब 10 साल बाद ये एसेट रद्दी हो जाएगा, तो 10 साल बाद मेरे पास उतना ही पैसा होना चाहिए जितने में मैं एक नया एसेट खरीद सकूं। तो अगर इन्फ्लेशन के रेट को मैंने डेप्रिसिएशन में सोच के ना सेट किया, तो मेरे पास पैसा तो होगा पर एसेट उससे ज्यादा महंगा होगा, मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा, तो फायदा क्या। मान लो इन्फ्लेशन 10% पे, मैं डेप्रिसिएशन 5 पे चार्ज कर रहा हूं, 5 साल डेप्रिसिएशन चार्ज, मतलब 5 पे चार्ज कर रहा हूं, 20 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मेरे पास जो पैसा है हाथ में ना वो है 5 लाख और एसेट का वैल्यू है मार्केट में 10 लाख, तो डेप्रिसिएशन का क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ बच्चा।
तो इन्फ्लेशनरी रेट को देखते हुए डेप्रिसिएशन डिसाइड होता है, ठीक है, इन्फ्लेशनरी रेट को देखते हुए डेप्रिसिएशन डिसाइड होता है। तो एकदम सिंपल लॉजिक लगाओ, या तो एसेट बिक गया सारे के सारे और वैल्यू बच गया, या वैल्यू चला गया पर एसेट बच गया। तो अगर वैल्यू चला गया है और एसेट है मेरे पास, तो फ्यूचर में अगर हमने कोई भी एसेट बेचा, इट विल बी अ प्रॉफिट, सो अभी भी वो गेन है। अगर मेरे पास एसेट ही नहीं है और अभी लॉस हो चुका है, तो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कैसे, मैं क्या बेचूंगा, इज्जत, एसेट तो है ही नहीं मेरे पास, ठीक है, तो वहां पे क्या चला जाएगा, 2 लाख को लास्ट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो आज इसके साथ हम लोग ने डेप्रिसिएशन का टॉपिक खत्म कर दिया, हमारे फरहान अख्तर ओवर हो गए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले सम्स करेंगे, उसके बाद ऋतिक रोशन शुरू करेंगे। मेरे पास आज ही ऋतिक रोशन का पूरा नोट्स रेडी है, देखिए आज ही ऋतिक रोशन पूरा का पूरा रेडी है, पर मैं आज ऋतिक रोशन नहीं कराऊंगा, मैंने टेलीग्राम में ये लिंक जब शेयर किया होगा तो मैंने टेलीग्राम में आपको ये भेज दिया, पर मैं इसको आज नहीं कर रहा हूं, मैं इसको नेक्स्ट डे करूंगा, क्योंकि मैं आज इसके नेक्स्ट डे इस पे सम्स कराऊंगा, ठीक है। प्रॉपरली हम लोग खाली सम्स करेंगे बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन, उसके बाद वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अवर ऋतिक रोशन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, इतने दिन बाद आज हम लोग ने क्लास किया, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे। जीएसटी के लिए नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, नीचे यहाँ पे स्क्रीन के नीचे यहाँ पे नंबर जा रहा हो, आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायर कर सकते हो फीस और सब चीज के बारे में। फीस बहुत ही कम है, मैं वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, पर अगर आप फोन करते हो या मैसेज करते हो, अगर आप इंक्वायर करते हो तो आपको खुद भी लगेगा कि फीस बहुत रीजनेबल है। और फीस रीजनेबल रखने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, मैं बहुत आराम से फीस बहुत हाई करके कर सकता हूँ, क्योंकि मैं क्वालिटी पढ़ा रहा हूँ, मेरे को ये पता है, और वो आपको भी दिख रहा होगा इतने वीडियोस में कि क्वालिटी पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे क्वालिटी लेक्चर्स हैं, कोई भी लेक्चर वेस्ट नहीं है और एक एक मिनट वैल्यूएबल है। मैंने बस फीस ये सोच के रखा है कि कुछ हो, कुछ आपको पेमेंट करना पड़े तो आपको पढ़ने का मन भी करेगा, ठीक है, और जो कुछ आप पेमेंट कर रहे हो ना, वो बेसिकली मेरा एक्सपेंडिचर है ये क्लासेस प्रोवाइड करने का, एक्चुअली एक्सपेंडिचर से भी कम है एक लेवल, ठीक है। तो आप एक बार प्राइस इंक्वायर करो, यू विल बी अस्टोनिश्ड टू नो एट व्हाट इज द रेट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा चैनल, अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करिएगा, बिकॉज पीजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।